हेलो तो और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ इसमें आज हम प्रिपेयर करने वाले ग्लो सिरम जो कि आपके पेगमेंटेशन को आपके डार्क स्पॉट्स को आपके रिंकल्स को फाइन लाइंस को आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल ईजिली रिमूव कर देगा और आपको एकदम से ग्लोइंग चेहरा मिलेगा क्या आपको पता है कि ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हमारा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्यों ना हो क्योंकि नाइट टाइम टाइम इज द रिपेयर अगर हम नाइट टाइम में अपनी स्किन की के प्रॉपर केयर करते हैं ना तो हमारी स्किन हमें बदले में बहुत ही प्यारा प्यारा चेहरा देती है आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस ग्लो सिरम को कैसे रेडी करना है ये हम नाइट टाइम में यूज करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपको इसका रिजल्ट अल्टीमेट मिलेगा आप देख सकते हो कि मैंने इसकी एक एप्लीकेशन की है और मुझे उसके बाद कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इस इज अ वेर फुलड्रेशन नाइस, फुल ऑफ वाइटमिन मिनरल सब कुछ है जो कि हम स्किन को कर सकते हैं तो हमारे तो हम कि अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा तो अब जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे इसे बनाना है क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है और जैसे ही आप इसके इंग्रेडिएंट्स और इसे बनाने का तरीका सुनोगे ना आप खुद ही सोच लोगे कि अब हम क्यों वेट करें हम जल्दी से इसे रेडी करें और अपनी स्किन पे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो आप मेरी वीडियो को कर दे लाइक और मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हमको क्या लेना है एक बोल यानी कि प्यारा सा आपको बोल लेना है कांच का चाहे आप ऐसा ही जार ले लो जिसमें आप इसे स्टोर करके इजीली रख सको फ्रिज में क्योंकि ये आराम से 15 टू 20 डेज के लिए इजीली आप यूज कर सकते हो बस आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है और ग्लास कंटेनर में रखना है ताकि आपका ये जो है वो खराब ना हो सबसे एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वो अच्छे से करते हो ना तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा तो अब मैं आपके साथ सबसे पहले ये शेयर करती हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है क्योंकि यानी कि खीरा खीरा समर्स में अल्टीमेट होता है आपको पता है फुल ऑफ हाइड्रेशन है वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें तो अगर आपकी स्किन किसी भी वजह से डल हो रही है डिहाइड्रेटेड हो रही है तो ये आपकी स्किन को फुल ऑन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही प्यारी हो जाती है अगर आपको क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम है ना तो वो भी दूर करता है ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो वो भी क्योंकि काफी हद तक दूर कर देता है तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि उम्बर को अच्छे से काट लेंगे पील कर लेंगे पहले फिर उसे काट लेंगे कट करके उसके पीसेस मिक्सी के जार में डाल देंगे और अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के बाद हम उसे स्ट्रेन करके उसका जूस निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली हमें टू स्पून ऑफ जूस चाहिए फॉर दिस सिरम तो हम टू स्पून ऑफ जूस ले लेंगे क्योंकि उम्बर का सेकेंड थिंग हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल इज क्वाइट गुड फॉर योर फेस आप अगर समर सीजन में आपको अपनी स्किन को और सूथ अपने रखना है तो उसके लिए एलोवेरा जेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए हम इस एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेट थ्री बिग स्पून ऑफ एलोवेरा जेल इसमें लेना है मैंने यहाँ पे बोरोप्लस वाला एलोवेरा जेल यूज किया है आप चाहो तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो एड कर सकते हो नंबर थर्ड इंग्रीडियंट इज रोज वॉटर रोज वॉटर इज द अल्टीमेट थिंग जो कि आप अपनी स्किन को प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपको अपनी स्किन को एंड ब्राइटन अपने रखना है तो रोज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बड़ा चम्मच भरके आपको रोज वॉटर का इसमें डाल देना देन द नेक्स्ट थिंग इज ग्लिसन अगर आपकी स्किन पे हाइड्रेशन की कमी है ड्राइनेस आ रही है आपकी स्किन डल हो रही है तो ग्लिसरीन जितना हाइड्रेशन तो किसी में नहीं है हाइलोरोनिक एसिड हमें घर में मिल जाता है से, तो हमें क्या करना है पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट्स हैं फाइन लाइन है रिंकल्स हैं डार्क सर्कल्स हैं तो इन सब के साथ डील करने के लिए आपको चाहिए वाइटमिन ई ऑयल जो कि हमें वाइटमिन ई के कैप्सूल से मिलेगा तो हम टू कैप्सूल को प्रिक करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे इतने अच्छे से

और अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस के अंदर इसे मर्ज कर लेना आप एक ही बार में जब इसे अप्लाई करोगे ना आपको तो भी पता चल जाएगा कि कितना अच्छा हाइड्रेशन मिल रहा है और आपको एक ही एप्लीकेशन से अपनी स्किन में डिफरेंस भी मिल जाएगा और अगर आप एक हफ्ता इसे लगातार यूज करते हो ना तो उसके बाद तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है तो फिर आप मुझे खुद आके बताओगे कॉमेंट सेक्शन में कि हमें इस सिरम को यूज करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट इज वेरी नाइस सिरम ये कॉस्ट फ्रेंडली तो है ही है प्लस आपकी स्किन फ्रेंडली भी है क्योंकि स्किन के लिए अल्टीमेट है तो यू मस्ट ट्राई दिस आप इसे यूज करना ट्राई करना फिर कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता के जाना कि हमें इस ग्लो सीरम को बना के यूज करके क्या बेनिफिट मिला आप चाहो तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय